डिटेंशन सेंटर को लेकर पूरे देश में तेजी से अफवाह फैल रही है। विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बताकर मोदी सरकार को घेरने में जुटी है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए पूरे देश में डिटेंशन सेंटर बना रही है। विपक्ष का आरोप है कि ये गैर कानूनी है और मोदी सरकार ठीक वही काम कर रही है जो जर्मनी में हिटलर ने किया था। लेकिन डिटेंशन सेंटर की हकीकत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे देश में डिटेंशन सेंटर को लेकर चर्चा और आरोप प्रत्यारोप का बाजार गर्म है। ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे को झूठा तक कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार पूरे देश में डिटेंशन सेंटर बना रही है। हकीकत ये है कि पासपोर्ट एक्ट और फॉरनर्स एक्ट केंद्र सरकार को विदेशी नागरिकों को देश से बाहर निकालने का अधिकार जरूर देता है, लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार ही डिटेंशन सेंटर बनाती है और उसी के द्वारा उसे संचालित भी किया जाता है। दरअसल डिटेंशन सेंटर वैसी जगह होती है जहां पर अवैध विदेशी नागरिकों को रखा जाता है। केंद्र सरकार को संविधान के तहत ऐसी शक्ति दी गई है कि वो अवैध तरीके से भारत में रह रहे किसी भी विदेशी नागरिकों को देश से बाहर निकाल सकती है। विदेशी नागरिकों को वापस भेजने की प्रतिक्रिया के दौरान उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर ही देश के अलग अलग हिस्सों में डिटेंशन सेंटर स्थापित किए गए थे। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ऐसे डिटेंशन सेंटर पिछले कई दशकों से कई राज्यों में चल रहे हैं और उनका NRC से कोई संबंध नहीं है। फॉरनर्स एक्ट 1946 के तहत केंद्र सरकार किसी भी विदेशी नागरिक की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकती है और जरूरत पड़ने पर उसे किसी एक खास स्थान पर रखा जा सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत भी केंद्र सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास वैध पासपोर्ट, वीजा या ट्रैवल दस्तावेज नहीं है, उसे भारत से निकालकर बाहर कर सकता है। पूरे देश में हर साल हजारों ऐसे मामले आते हैं जिसमें विदेशी नागरिक या तो वीजा शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है या फिर वीजा के अवधि से अधिक समय तक भारत में रुक जाता है। ऐसे में उसे वापस भेजना सरकार की जिम्मेदारी बनती है और बीच की अवधि में उसे डिटेंशन सेंटर में रखना अनिवार्य हो जाता है। यही कारण है कि असम को छोड़कर दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे स्थान पर डिटेंशन सेंटर खोले गए हैं, क्योंकि अधिकांश विदेशी नागरिक यहीं से भारत आते हैं। पासपोर्ट व वीजा एक्ट के उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों को पकड़ने और उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की होती है। केंद्र के पास डिटेंशन सेंटर खोलने और उन्हें संचालित करने वाली कोई एजेंसी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 358(1) के तहत केंद्र सरकार फॉरनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट से मिली शक्तियों को राज्य सरकार को सौंप देता है। मतलब साफ है कि देश में डिटेंशन सेंटर बनाना सरकार का एक दायित्व है और इसे बनाना कानून का उल्लंघन नहीं है। जहां तक बात हिटलर की है तो जर्मनी में यहूदियों को यातनाएं देने और उन्हें मारने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए थे, लेकिन हिंदुस्तान में गैर तरीके से रह रहे घुसपैठियों के लिए एक टेम्पररी शेल्टर बनाया जाता है जहां से इन विदेशियों को उनके देश भेजा जाता है। विपक्ष को ये फर्क भली भांति मालूम है, लेकिन मुस्लिम वोट के खातिर ये लोग भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने पर तुले हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल TV, क्योंकि आपका पसंदीदा चैनल ओपिनियन पोस्ट बन चुका है कैपिटल TV। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।